हेलो भैया, असल वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रात की दुआ सुनने में बिल्कुल ठीक ठाक। आज लेकर आई मैं वेडिंग वीडियो को इतने मज़ेदार, और आपको देख आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम जा रहे थे अपनी कज़न की वेडिंग पे खैर पर, और हम यहाँ रास्ते पर सुबह सुबह मेरे डैडी ने उठा दिया भाई। सुबह सुबह जो है ना, वो दुल्हन को हमने जो है ना बारात लेके जानी थी दुल्हन को देने के लिए। और यहाँ पे हम 6 बजे उठी थी मैं नमाज़ पढ़ के, और फिर नाश्ता भी नहीं किया, और हमने रेडी होके बस हमने निकल पड़े। और मैंने व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला, और रास्ते में याद आया कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। तो हम यहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, हम बस में जा रहे थे, फिर इतनी मस्ती की, इतना हल्ला गुल्ला, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी ना भाई, क्या बताऊँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बस में नाच गाना भी हो रहा था। बहुत ही मज़ा आता है ना जब नाच गाना हो, और कज़न्स की वेडिंग हो, और किसी की वेडिंग की मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन कज़न की वेडिंग की मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे तो हमने बारात लेके जानी थी, तो बहुत ही अच्छा सा मतलब कि मज़ा आ रहा था। और जो मेरे सर में इतना दर्द भी हो रहा था, क्योंकि इतनी लाउडली म्यूज़िक चल रहा था ना, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक इसमें ऐड नहीं किया, मेरे कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैंने म्यूज़िक ऐड नहीं किया। या मानूर मेरे साथ बैठी हुई थी, वापसी में मानूर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। मैं ओके, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। और यहाँ पे हम खैर पर पहुँच चुके थे, मेरे सर में इतना दर्द था। हम बीच में रास्ते में स्टे भी किया था थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह पी थी, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना था, क्या कुछ भी। यहाँ पे सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, 2 हो रहे थे दिन के, और मेरी भूख से इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती, और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था। और यहाँ पे हम सिंध यूनिवर्सिटी के थे, अब्दुल्ला पता नहीं क्या, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, हाँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी हमने मैंने आपको दिखाई थी जो, वो हम यहाँ पे हाल में पहुँच चुके थे। मैं इतनी भूख लगी थी, मैंने वेटर्स को कहा कि भाई शफीक अहमद रोटी कब खुलेगी भाई, ये मुझे शफीक अहमद याद आते उस टाइम। बस मैं क्या करूँ यहाँ पे, कहना पड़ती कहना, तो मैंने चलो तुम्हारा मैं लुक के दिखा लेते जब तक खाना नहीं खुलता, जब तक शफीक अहमद रोटी नहीं खुलवाते मेरी। यहाँ पर सोनिया का लुक देखिए, और हाई कर रही थी ये, और उसको मैंने कहा कि मेरा भी आप लोग मेरा भी लुक दिखा दीजिए, और यहाँ पे मेरा भी लुक आप लोग देख रहे थे। और यहाँ पे खाना खुल चुका था, और मैं टूट पड़े थे खाने पे। जब खाना आ जाता है ना, तो फिर भूख नहीं लगती बंदे को, तो फिर मैंने इतना सही खाना खाया था भाई। जब खाना जब आ जाता है ना सामने, तो फिर भूख मर जाती है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे का वैसे सारा खाना पड़ता वहाँ सामने, मानूर बैठी हुई थी, और मानूर कहते थे थोड़ा सा मुझे भी ब्लॉग में ले लो भाई। मैंने कहा क्यों नहीं, इसने ना ही अपनी कोई वीडियो बनाई थी, ना ही कोई पिक्चर बनाई थी, कुछ भी नहीं। इसने कहा कि नहीं, मैंने ना इंस्टाग्राम पर पहले भी ड्रेस मैंने कपड़े देती हैं, फोटो दे दी था, अपने दोबारा नहीं डालने वाले। मैं ठीक है तुम्हारी मर्जी है भाई। हमने बहुत इन्जॉय किया था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और मैंने बिरयानी और कौरमा ही खाया था बस। वो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था इतना, तो कोई मुझे सर में दर्द हो कि बच्चों ने इतनी वोमिटिंग की थी ना बस में, तो उसकी स्मेल थी ना मेरा, और जो है ना हमें बस, मैंने कहा कि बस मुझे आज ना भाई मुझे क्या होगा। और यहाँ पे दूल्हे भाई की एंट्री हुई, मेरे जो कज़न है जो जिसको जो ना पगड़ी पहनी हुई ना वाइट कलर की, वो उसकी वो ही दूल्हा है हमारे में, जो ना पगड़ी पहनाई जाती है दूल्हे को, तो हम दूल्हे को लेकर आ रहे थे। ठीक, 1 2 3 7 दूल्हे की एंट्री होने के बाद फिर मैंने आगे व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि सब जो है ना सब लेडीज़ वगैरह सब दूल्हे के साइड में सब खड़े थे, आप लोगों को पता है पिक्चर्स वर्स में सब कुछ, तो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पे हमारी वापसी हो चुकी थी, और रात हो गई थी, और कायनात मेरे साथ थी। मानूर ने कहा मैं नहीं बैठूंगी वापसी में, तो कायनात मेरे साथ वापसी में बैठ गई थी, तो उसको इतनी नींद आई थी ना, उसने लहंगा और चोली पहनी हुई थी, और लहंगा उतार के उसने आगे जो है ना हैंडल होता है ना सीट की, वहाँ पे इसने टंगा दिया था। यहाँ पे बैठी मेरी टांगों टांगों में इतना शरीर को दर्द होता, मैंने अपने शूज़ जो है सैंडल उतार, हील वाले सैंडल्स थे मेरे, वो मैंने उतार के रख दी, और मैंने बस बैठ गई भाई। अगर ये मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ मुझे याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।